चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेमिंग के लिए हम देख रहे हैं कि सफिक्स में क्या लगता है, ऑइक एसिड। आपके सामने चार एग्जांपल लिखे हैं सारे के सारे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पे। आप सबको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आती होगी, और अगर नहीं आती, इनकेस आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने की वीडियो दी है, तो आप जरूर से चेक कर लें और जरूर देखें इसे। अच्छा, साथ ही साथ मैं अगर नहीं आती तो इसमें बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब हम सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉर्मली तो ऐसे करके दिखाया जाता है, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो फिर तो बहुत सिंपल है, समझ आता है सीधे। नहीं तो फिर क्या होगा, CO और OH इस तरीके से जुड़े होंगे, मतलब यहाँ पे एक साथ दिखा रखा है, अलग अलग तो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि हम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन होगा और CO और OH, देखिए यही वाला पैटर्न दिख रहा है आपको, यही वाला केस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन होता है। अब जब खुद का कार्बन होता है तो आप उसे नंबरिंग सबसे पहले देंगे, मतलब वन लोएस्ट नंबर उसे प्रोवाइड करेंगे। तो नंबरिंग की तौर पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं वन, ये वाला कार्बन यहाँ पे कार्बन है, टू, थ्री, और यहां जो कार्बन होगा वो फोर। सो लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड कर ली। अब आप देख सकते हैं कि ब्रांचिंग कहाँ है, ये री ब्रांचिंग दो पे और ये री ब्रांचिंग तीन पे। तो लिखे टू कॉमा थ्री डाई ब्रोमो, चार कार्बन की चेन है, ब्यूट, क्योंकि अनसेचुरेटेड है तो ब्यूटेन तो लिखेंगे नहीं, तो अनसेचुरेटेड है तो ब्यूट, और अनसेचुरेशन तीन से स्टार्ट हुआ तो ई एन ई, मतलब डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया। पर ध्यान दे, ऑइक एसिड ओ से स्टार्ट होगा क्योंकि वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे, तो ई ड्रॉप करेंगे आप और वन ऑइक एसिड लिख देंगे, ये आपका नाम, आपके कंपाउंड का नाम पूरा हुआ, जिसे आप बहुत ध्यान से चेक कर लें, देखें रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे आ जाए, तो अगला एग्जाम्पल देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी CO को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नंबर वन प्रोवाइड करेंगे इस कार्बन को, टू थ्री फोर, तो क्या यहीं तक रुक जाएं, या फाइव या सिक्स, किसी भी साइड, सॉरी फाइव तक जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे जाएं फाइव के लिए या यहाँ जाए, आपकी च्वाइस है। तो सर चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ब्रांचिंग कहाँ कहाँ है, तो आप देख सकते हैं टू पे ये मिथाइल, थ्री पे यहाँ वाला मिथाइल, ये आपका यहाँ CH3, एक यहाँ CH3 और एक ये रहा CH3, तो तीन जगह ब्रांचिंग है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तीन जगह ब्रांचिंग है, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, नंबर्स के लिए कॉमा, ठीक है। तीन बार है तो ट्राई मिथाइल कार्बन चेन कितने, वन टू थ्री फोर फाइव की है, तो इस हिसाब से क्या लिखा जाएगा, पेंट, और अनसेचुरेशन टू से स्टार्ट है, टू इन, और ये आपका ऑइक एसिड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप वन लगा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। चेक कर लो अच्छे से, एग्जांपल को देख लो और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो, ये आपका सेकंड कॉपी हो गया। फोर थर्ड की बात करें, बहुत ही सिंपल है, देखो नोट कर लिया एग्जाम्पल आपने, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में देखिए आप फंक्शनल ग्रुप, अब मेन चेन ये कंसीडर मत कर लेना, ये जो आपको सीधे ही नजर आ रही है मेन चेन नहीं है, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो देखो CO OH, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, तो आप मेन चेन में तो इसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपकी मेन चेन उस साइड वाली है, मेन चेन उधर वाली रहेंगे, ठीक है, जहां पे आपका लॉन्गेस्ट है, इवन प्राइमरी सफिक्स यानी डबल बॉन्ड भी आ रहा है। इनकेस डबल बॉन्ड यहाँ होता तब आप इस चेन को, मतलब डबल बॉन्ड इंक्लूड करते, रूल याद है ना, अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ इधर या इधर होता, बेशक चेन की लेंथ छोटी हो जाती, तो आप डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते, ठीक है। तो अभी हमारा जो केस है, तो वन टू थ्री फोर और फाइव, तो इस हिसाब से आप देखें नाम क्या होगा, टू पे ये इथाइल होता है, यहाँ CH2 होगा, ये CH3 है, तो क्या लिखेंगे, टू इथाइल, टू पे क्या है, इथाइल है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं पांच कार्बन की चेन है, तो पेंट, थ्री पे क्या है, इन, और उसके बाद सीधे ही लगा सकते हैं ऑइक एसिड, ओके ऑइक एसिड, ये नाम
कंप्लीट हो गया। अच्छे से चेक कर लेना हमको, फिर फोर्थ सिखाते हैं आपको। देखिए फोर्थ एग्जांपल में अगर आए तो ये रहा आपका कार्बन और ये रहा आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का वन इधर आ जाइए, ये वाला टू। अब इधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, तो ऑफकोर्स इधर जाना चाहिए क्योंकि आगे और चेन है आपके, थ्री और ये वाला फोर। आप इधर भी फोर जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, टर्मिनल मतलब किनारे तक जाना है जहां तक पॉसिबिलिटी है। अच्छा तो अब देखो नंबरिंग आपने कर ली पूरी, तो इस हिसाब से देखिए प्रेफिक्सेस कहाँ कहाँ है। देखो एक तो ये मिथाइल रह गया, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है और एक यहाँ पे मिथाइल है। चेन तो आपकी ये है ना, तो बाकी साइड क्या है जो सब्सिट्यूएंट है वो देख पा रहे हैं। तो आप देखिए 2.2 और 3.3 चार बार है भाई, टेट्रा मिथाइल, चार बार मिथाइल है ना एज अ प्रेफिक्स सब्सिट्यूएंट ब्रांचिंग है ना, तो लिख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं चार कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ठीक है सैचुरेटेड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगा तो सीधे मैं लिखूंगा ब्यूटेन। बट लास्ट में क्योंकि ऑइक एसिड आएगा तो ई ड्रॉप करना है भाई, तो मैं यहाँ पे वन और लिख सकता हूं ऑइक एसिड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला नाम भी पूरा हो जाता है। अब आप ध्यान से चेक कर लें इसको और समझ लें, ठीक। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के लिए। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एस्टर। एस्टर की नेमिंग के लिए छोटी सी एक बात बतानी होगी। देखो जैसा कि बताया हम लोगों को एस्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, मतलब सी ओ ग्रुप के साथ में एक और ऑक्सीजन होता है और इस ऑक्सीजन के साथ भी अल्काइल चेन जुड़ी होती है, यानी दो बार अल्काइल चेन होती है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आर और सी वाला पार्ट, ये आपकी मेन वर्ड रूट हो तो मतलब मेन चेन में काउंट किया जाता है, जबकि ये जो इतना अल्काइल चेन है, जो ये वाले अल्काइल चेन है, इसको हम लोग एज अ प्रेफिक्स लिखते हैं। बस ये छोटी सी बात आप ध्यान दीजिएगा, 2 डिग्री प्रेफिक्स होता है और उसके बाद ये आपका इतना हिस्सा एज अ वर्ड रूट लिखा जाता है। सिर्फ ये सीक्वेंस आपको ध्यान देना है कि एस्टर में ये अल्काइल चेन एज अ प्रेफिक्स काम करती है, ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, फिर ये वर्ड रूट बाद में लिखा जाएगा और उसके बाद आपका ओएट एज अ 2 डिग्री सफिक्स। तो स्टार्ट करते हैं नाम और देखते हैं किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसे करना सीखते हैं। देखो जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट, जैसे कि हम सबको पता है मिथाइल, तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा मिथाइल, लिख दिया हमने मिथाइल। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, इस ये जो प्रेफिक्स हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा, एज इट इज डायरेक्ट इथाइल मिथाइल या जो भी पर्टिकुलर हमारा अल्काइल चेन यहाँ पे होगा वो हमें डायरेक्ट प्लेस करनी है। अब ये जो हिस्सा है, ये इस एस्टर का खुद का कार्बन है तो मेन चेन का हिस्सा होगा, ये जो आपका पार्ट है ये इसका नाम, अब दो कार्बन का हिस्सा ये, ठीक है, तो दो कार्बन के लिए हमें लिखना होता है इथेन, ठीक है, ई ड्रॉप करेंगे और लास्ट में इसके लिए क्या लगाएंगे ऑइट। आप डायरेक्ट ऑइट लिख सकते हैं, नहीं तो आप वन ऑइट भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा नाम पूरा हुआ, ठीक है, ये वाला नाम क्या हुआ है पूरा हो गया। अच्छे से एक बार चेक कर ले, मिथाइल इथेनॉइट, मिथाइल इथेनॉइट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें। देखिए जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, फिर से देखो ये आपका क्या है प्रेफिक्स, इसको सबसे पहले लिखेंगे बिना किसी नाम के, बिना किसी नंबर के, सॉरी यहाँ कोई नंबर नहीं लगेगा, ठीक है, सो इट इज मिथाइल। अब आप देख पा रहे हैं ये जो कार्बन चेन है, 1 2 3 तीन कार्बन की चेन है, इसको वन नंबर ही मिलेगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा, जैसे इसको 1 2 देंगे तो 1 2 3 नंबर होगा, तो इस हिसाब से सीधे ही लिख सकते हैं प्रोपेन, ई ड्रॉप करेंगे और ऑइट, ये हो गया आपका प्रोपे नॉइट। तो फटाफट इस एग्जांपल को भी नोट करें। अब हम कुछ अच्छे एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे ही आपको इतना पता लगा अब हम अच्छे एग्जांपल कर पाएंगे, ठीक। सेकंड हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, तो आप देख पा रहे हैं ये चीज, सबसे पहले बिना किसी नंबर के इथाइल, हमने इथाइल लिखा। अब इथाइल लिखने के बाद आप देखिए मेन चेन आपकी ये वर्ड रूट, ठीक है, अब वर्ड रूट में नंबर स्टार्ट करते हैं,
तो नंबरिंग पहले कार्बन, इसी कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा, फिर सेकेंड और उसके बाद थर्ड, ठीक है। तो अब टू पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। अब डायरेक्ट प्रोपेनोइट नहीं लिख सकते क्योंकि मेन चेन में आपका यहां पे भी प्रेफिक्स है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, टू क्लोरो इथाइल, टू क्लोरो और तीन कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइट। अच्छे से चेक कर लो, बहुत ध्यान से देखिए, और ये आपका कंपाउंड का नाम पूरा अच्छे से चेक कर लो। फिर बचे हुए एग्जांपल जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, ठीक, रेडी, चलो आ जाओ इस एग्जांपल को करते हैं। अब सबसे पहले देखें तो हमारा एस्टर ग्रुप यहां पे है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाइड। जैसे कई बच्चे इसे कीटोन पढ़ लेते हैं क्योंकि कीटोन आपका सिर्फ इस टाइप का होता है, लेकिन अब अगर उस कीटोन के साथ ओ आपको नजर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टर, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, फंक्शनल ग्रुप ये रहा। अब हमारी मेन चेन का कार्बन पहला ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमारी मेन चेन की नंबरिंग है। अब आपका जो प्रेफिक्स है यानी कि जो ब्रांचिंग है वो ये है। अब यहाँ पे उस CH3 के साथ, मतलब जो यहाँ पे पहले CH3 था, अब वहां से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है और उसकी जगह Cl लगा, तो इस प्रेफिक्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्लोरो मिथाइल। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, ऐसा था कभी वो, कभी इस तरीके का रहा होगा, एक हाइड्रोजन हटाया वहां पे क्लोरीन लगा हुआ CH2Cl, तो क्या नाम होगा इसका, क्लोरो, क्लोरो और मिथाइल, तो क्लोरोमिथाइल है। उसके बाद आपकी चेन चार कार्बन की है तो आप लिखेंगे ब्यूट, लेकिन अनसेचुरेशन तीन पे है तो आप लिखेंगे इन और उसके बाद ओएट। ये आपका पूरा हुआ, अच्छे से देख लें और फिर अगले एग्जांपल पे आ जाएं, एस्टर की नेमिंग आप सीख लेंगे आराम से। फिफ्थ एग्जांपल करें तो देखो, फिफ्थ एग्जांपल पे आ जाओ। फिफ्थ एग्जांपल में ये चीज देखिए, सबसे पहले लिखा जाएगा, ये लो यहां पे लिख देता हूं इथाइल, ठीक है। अब उसके बाद नंबरिंग में मेन कार्बन कौन है, एक ये रहा, दो तीन चार और पांच। अब उसमें भी जो चेन है उसमें तीन पे ब्रांचिंग है तो ये क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल हुआ। देखिए अब क्या आएगा, पांच कार्बन का वही सिस्टम है तो पेंट करके पढ़ा जाएगा, और चार पे क्या है भाई, इसमें चार पे क्या है देखिए यहां पे, तो फोर फोर इन, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है आप ओएट दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से नाम पूरा हुआ। फिर से एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें और किसी भी टाइप की कोई कमी ना हो, ठीक। फाइनल एग्जांपल करते हैं, फाइनल एग्जांपल पे आ जाते हैं हम। देखो फाइनल एग्जांपल में देखें तो ये उल्टा दिखा रखा है, यहां पे आपका ये रहा अल्काइल चेन, तो ये क्या है, मिथाइल, ठीक। तो क्या लिखेंगे, मिथाइल लिख दिया। अब मेन चेन कहां से स्टार्ट हो रही है, इस कार्बन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप समझ रहे होंगे उस मेन चेन में ब्रांचिंग कहां पे है, फोर पे है, तो फोर ब्रोमो, ठीक है, फोर पे ब्रोमो है लगा दिया। अब छह कार्बन की चेन है, हेग्स लिखना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन भी है, तो हेग्स, और कहां से आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, दो से, तो ई, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो, वन ओएट, ये आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपके सभी एग्जांपल पूरे हो गए, और अच्छे से एक बार फिर से देख लो और कॉपी में लिख लीजिए ताकि इस टाइप के एग्जांपल आप इजीली कर पाए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चे सीखते हैं एसिड क्लोराइड की नेमिंग कैसे करनी है। भाई सबसे पहले एसिड क्लोराइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCO, और उसके साथ डायरेक्टली आपका क्लोरीन एक जुड़ा होता है, और साथ ही साथ बता दिया जाएगी तो सफिक्स में इसका क्या नाम आता है, ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। तो अब देखते हैं नाम किस तरीके से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, फटाफट देखिएगा। तो देखो इस फंक्शनल ग्रुप का खुद का ही कार्बन होता है, तो आपको पता है कि हमें उस कार्बन को अपनी मेन चेन का हिस्सा
मानना होगा। और अब क्योंकि खुद का कार्बन है तो नंबरिंग सबसे पहले इसी को देनी होगी, 1, 2, 3 और ये 4। तो आप समझ चुके होंगे कैसे नाम लिखा जाएगा, ब्यूट, क्योंकि कोई भी प्रेफिक्स नहीं है। ये जो क्लोराइड है फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होता है, ये कोई प्रेफिक्स नहीं होता। ठीक, तो इस हिसाब से ब्यूट 2-ईन, और लास्ट में क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका ड्रॉप हो जाएगा ई। तो ये रहा आपका आपके कंपाउंड का नाम, सो ब्यूट 2-ईन ऑयल क्लोराइड। अच्छे से देखो कितना सिंपल, डन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसे चेक करो। ये रहा आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप, ठीक, ये रही आपकी मेन चेन, और नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5। नंबरिंग करने के बाद देख लीजिए प्रेफिक्सेस कहाँ कहाँ है भाई, ये ब्रोमो यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रोमो लिखेंगे या पहले मिथाइल? सो बिल्कुल, जब दो या दो से ज्यादा प्रेफिक्स हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आ जाएगा आपका 3-ब्रोमो-4-मिथाइल। ठीक है, 3-ब्रोमो-4-मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तो इन, और उसके बाद लास्ट में आप डायरेक्टली लगा सकते हो ऑयल क्लोराइड। लिख दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, नोट कर लें कॉपी में, और इस तरीके से आप नाम लिखना सीख जाएंगे एसिड क्लोराइड के लिए। आगे आ जाएं, चले एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करें। हाँ जी, तो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3 और ये आपका 4। 4 कार्बन की चेन है। अब तो बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा, फटाफट आप कर पाओगे, 2-ब्रोमो-ब्यूट-3-ईन-ऑयल-क्लोराइड। करो फटाफट चेक करो सभी एग्जांपल अच्छे से, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे एसिड क्लोराइड के लिए। फोर्थ एग्जांपल पे आ जाएं, फोर्थ एग्जांपल करें स्टार्ट। ठीक, तो फोर्थ एग्जांपल की अगर बात करें भाई, तो ये रहा आपका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा, इस साइड पांचवा कार्बन होगा। ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब आप देख पा रहे हैं कोई भी प्रेफिक्स नहीं है, तो सीधे ही हमें लिखना होगा पेंट। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात वापस याद करें, डबल बॉन्ड रिपीटेड है, जब अनसेचुरेशन यानी कि सेम बॉन्ड जब रिपीट होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो वर्ड रूट होता है उसमें ए लग जाता है, ब्यूटा, पेंटा, टेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब टेट्रा नहीं यूज करते, ब्यूट यूज करते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे आपका आएगा पेंटा। तो भाई पेंटा वाले में केस में अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए कहाँ कहाँ पे अनसेचुरेशन है वो भी बताना होगा आपको। तो 2 पे अनसेचुरेशन है और 4th पे अनसेचुरेशन है, तो ये आपका आ जाएगा 2,4-डाई-ईन। ठीक है, डाई-ईन और उसके बाद ऑयल क्लोराइड, ये नाम पूरा हुआ पेंटा 2,4-डाई-ईन ऑयल क्लोराइड। ये इसको लॉक कर देते हैं, डन। लास्ट एग्जांपल पे आ जाएं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये ए क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, जब एक से ज्यादा रिपीटेशन होता है अनसेचुरेशन के लिए तो आप यहाँ पे ए लगाएंगे, वर्ड रूट जो भी आपका है उस वर्ड रूट में क्या लगाएंगे, ए। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं अगला एग्जांपल। इस एग्जांपल में ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा, ये क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो नंबरिंग कैसे कहाँ से होगी, नंबरिंग होगी आपकी यहाँ से 1, 2, 3, ये आपका 4, ये आपका यहाँ पे कार्बन जो है 5। अब आप इस साइड 6 के लिए आ सकते हैं या नीचे, आपकी चॉइस है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम लेंथ है, एक एक कार्बन है, नंबरिंग हो चुकी है। अब आप देखिए 3 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, तो पहले किसे लिखेंगे, चेन में यही है, और साथ ही साथ एक और ये रहा यहाँ पे एक मिथाइल भी है भाई, 3 इस बार प्रेफिक्सेस हैं, 1, 2, 3, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे 3-ब्रोमो, फिर क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2, 2 नहीं 4-क्लोरो,
फिर क्या आएगा, 5 मिथाइल एंड देन क्या लिखेंगे, हेक्सेन, लेकिन हेक्सेन की जगह हेक्स लिखा जाएगा क्योंकि फोर्थ पे क्या है आपका, अनसेचुरेशन, फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड का नाम तैयार। अच्छे से एक बार सारे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से सभी एग्जाम्पल को वापस देखें और एसिड क्लोराइड की नेमिंग खत्म हो चुकी है।